स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के विषय भूगोल का हम पूरा पेपर बताने वाले हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलने वाले हैं, सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आपको समय दिया है जो कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको अनकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर आपका पूरा टोटल पेपर होने वाला है जो कि 80 मार्क्स का होने वाला है। कुछ विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश को आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट मैं कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो कि दिया गया प्रण प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जो कि जनसंख्या जनसंख्या देखिए संगठन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है इसका। यहाँ पे दिया गया है कोई भी जनसंख्या विभिन्न आयु के वर्ष देखिए विभिन्न आयु वर्ष के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनती है। जनसंख्या जनसंख्या संगठन देखिए जनसंख्या जनसंख्या की उन विशेषताओं से को प्रदर्शित करता है जिनका माप की जा देखिए की जा सके, तथा उनकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर तुलना की जा सके। आयु लिंग संरक्षता देखिए संरक्षता अभ्यास व अभ्यास का स्थान तथा व्यवसाय आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के घटक देखिए जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रवास प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको उल्लेख लिख देना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पूरा लिख देना है। इसके बाद आपको देखिए पहला दिया गया है, यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक देखिए प्राकृतिक देखिए यहाँ दिया गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है प्राकर्ष कारक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपकर्ष देखिए अपकर्ष प्रवास, ठीक है। तो इसके आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको पहला उत्तर दिया गया है। तो देखिए पहला वाला पॉइंट ये देखिए बेरोजगारी रहन सहन की निम्न निम्न दशाएँ राजनैतिक प्रदप प्रतिकूल यहाँ पे प्रतिकूल जलवायु प्राकृतिक विपत्तियाँ महामारियाँ तथा सामाजिक आर्थिक छड़क देखिए पिछड़ेपन जैसे कारक कारण उद्यम स्थल को कम आर्थिक बनाते हैं। मजदूरी में छोड़े गए अपने स्थान को प्राकृतिक प्रेरित प्रयास करते हैं। तो ये आपको प्रश्न दिया गया, तो उसका आपको पूरा उत्तर ये दिया गया है, तो लिख देना है। इसका नेक्स्ट पॉइंट भी दिया गया है, तो ये भी आपको पूरा का पूरा नोट डाउन कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, तो ये पूरा नोट डाउन कर लेना है। प्रवास के अपर अब देखिए प्रवास के अपरक का प्रतिपरक कारक के आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आपको दो पॉइंट दिए गए, तो ये लिख देना है। इसके बाद आता है आपका जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तो चौथा क्वेश्चन में आपको दिया गया है भूम देखिए भूम जल के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो इसके बारे में आपको समझा देना है। पॉइंट दिए गए हैं जो कि यहाँ देख सकते हैं 3 पॉइंट दिए गए, तो इसके बारे में आपको पूरा नोट डाउन कर देना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आता है आपका पाँचवा प्रश्न दिया गया है। एक आदर्श मध्य के आवश्यक तत्वों विशेषताएं बताइए। तो इसके बारे में आपको विशेषताएं बता देना है, जो कि यहाँ पे 5 6 6 दी गई हैं, तो 6 विशेषताएं आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका छठा प्रश्न आता है, तो इस यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ दिया गया है वृद्धि और विकास का अर्थ क्या अर्थ है। वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए। तो इसके बारे में आपको दिया गया है, देखिए वृद्धि और यहाँ पे दिया गया विकास का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, फिर आपको ये पूरा बॉक्स बना देना है, खंड बना देना है यहाँ पे। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक साइड हो जाएगा वृद्धि, एक साइड हो जाएगा विकास, ठीक है। तो इसके बारे में लिख देना है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि 7वां क्वेश्चन दिया गया, तो 7वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा खनन क्या है, खनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में आपको वर्णन कर देना है, यहाँ पे आपको उसके बारे में खनन का अर्थ लिख देना है, खनन की वृद्धियाँ लिख दिया है, देखिए विधियाँ दिया गया है, यहाँ पर इसके बारे में अर्थ दिए गए हैं, तो ये आपको पॉइंट लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में पूछा गया है उद्योग, देखिए उद्योगों की
अवस्थित देखिए उद्योगी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पे वर्णन 4 पॉइंट दिए गए हैं, ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है। हालांकि लॉन्ग टाइप में है तो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा बड़ा नहीं है, लिख देना है। इसके बाद आता है आपका 9वां प्रश्न। यहाँ पर दिया गया भारत के आर्थिक विकास में सड़कों को भूमिका का वर्णन करो, तो इसमें वर्णन लिख देना है। यहाँ पर आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आपको पूरा नोट डाउन करके लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे तो 10वें प्रश्न में पूछा गया है जल जल प्रवाह संबंध के, देखिए संबंध में उद्देश्यों को उच्च देखिए उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। यहाँ पे दिया गया है 2 से लेके यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, जो कि दिया गया है, लिंक दी गई है आपके लिए, तो आपको वहाँ पर लिंक दी गई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की, तो आपको ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।